बेटे को पता है, बाप दूसरों के घर पर जाकर काम करता है, बेटों को पता है। बेटे ने 100 रुपए ले अपने जेब में डाल लिए, मदरसे आ गए, मदरसे में आकर कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब ये मदरसे के बच्चे मदरसे से बाहर निकलते हैं तो अमीरों के बच्चे दुकानों पर खड़े होकर अपनी पसंदीदा चीजें खाया करते हैं, अपनी पसंदीदा मिठाइयां खाया करते हैं। क्या इनका दिल नहीं करता होगा, चाहते होंगे कि हम भी अच्छी चीजें खाएं, लेकिन खुदा की कसम जब ये दूसरों को खाते हुए देखते हैं और के कमाई पर नजर डालते हैं तो अपने दिल को मार लेते हैं, अपनी हसरतों को गला घोट देते हैं, अपनी हसरतों का गला घोट देते हैं, अपने बगलों में हाथों को कमाए खड़े रहते हैं। दुनिया मौज करती है तो ये कुरान पढ़ने वाले अपनी हसरतों का गला घोट देते हैं तो मस्जिद तक तो ये आवाज होता है कि अरे कुरान वालों उदास ना होना, अरे कुरान वालों परेशान ना होना, आज तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है तो क्या है, कल होती रहेगा जब तुझे मुसल्ला पर खड़ा किया जाएगा और तुझे इमाम बनाया जाएगा और फूल बत्ती को तेरा गुलाम बनाया जाएगा। ये है कुरान वालों की शान। एक मरत आप लोग झुमझुम दो रुशे प्रिय अल्लाह मसल्ली अला सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस हम इंशाल्लाह 4 मिनट खत्म कर देंगे। आप हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर आई हैं तो उनको भी कुछ दर्श दे दूँ ताकि वो जाकर अपने बच्चों की इसी तरीका से तरबियत अपने बच्चों को कि किस तरह अपने बच्चों को तरबियत करनी चाहिए और हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो उनको भी मैं कुछ दर्श देना चाहता हूँ। मेरी माँ बहने मेरी बातों पर गौर कीजिए और बिल्कुल बुरा ना मानिए, क्योंकि बात बहुत कड़वी है लेकिन सच है, बात बहुत कड़वी है लेकिन सच है मेरे दोस्तों। तो सुनिए हजरत, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं बड़ा ही पुरफतन और पुराशा, जहां मुसलमानों में दीन से बेतवज्जही और बेरहमती है वहीं तरह तरह के बदामालियों ने भी जन्म ले लिया है। आज कौम मुस्लिम में मगरबी तकलीफ की एक आम वबा फैली हुई है जिसने हमारे नौजवान मर्द और औरतों में ऐसी ऐसी भी हयाइयां पैदा कर दी है कि जिनसे शैतान भी पना मांगता होगा। इसलिए मुझे कह लेने दीजिए कि हमारे जिन नौजवानों को दीन का मुजाहिद बनना था वो फिल्म का एक्टर बनता नजर आ रहा है, हमारे जिन नौजवानों को मस्जिद का नमाजी बनना था वो फिल्म वो खिलाड़ी का वो मैदान का खिलाड़ी नजर आ रहा है, हमारे जिन नौजवानों को हमदे इलाही और नाते रसूल पढ़ना था वो गाने और बजाने में लगा हुआ है, और हमारे जिन माँ और बहनों को हजरत आयशा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला का किरदार अपनाना था वो मुस्लिम की हीरोइन बनकर बेहयाइयों और अय्याशियों का मुजाहिरा कर रही है। आज जिधर देखो बेपर्दगी आम नजर आ रही है, आज जिधर देखो बेपर्दगी आम नजर आ रही है, हमारी माँ और बहनों की आंखों से हया का पानी उतर चुका है। कल की औरतें जब बा किरदार और हयादार होती थी तो उनके शिकन से वली गौस और कुतुब अब्दाल गाजी और मुजाहिद पैदा होते थे, लेकिन आज क्रीम पाउडर और लिपस्टिक लगाकर सर बाजार फेंकने वाली और सिने महालों का चक्कर लगाने वाली औरतों से वबाश में हया और बेदिल जन्म ले रहे हैं। आज उसकी गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा ना गौस होता है, ना कुतुब होता है, ना गाजी होता है, ना मुजाहिद होता है, ना मुजाहिद होता है, ना नमाजी होता है, बल्कि उसकी गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा किसी फिल्म का एक्टर बनता है, मैदान का खिलाड़ी बनता है, किसी फिल्म का एक्टर बनता है, मैदान का खिलाड़ी बनता है। और उन बेटियां कनीज़े आयशा, कनीज़े फातिमा, कनीज़े खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बनने के बजाय फिल्म की हीरोइन और बेरबारों का डांसर बनती है। अफसोस साथ अफसोस, इस कौम ने अपनी सारी इस्लामी तहजीब को मगरबी बाजार में नीलाम कर दिया है और मगरबी तहजीब के असर का हाल ही हो गया है कि मर्द और औरतों के दरमियान इम्तियाज करना मुश्किल हो गया है, मर्द और औरतों के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो गया है, दोनों के चेहरे साफ, दोनों के नाखून में बालिश की सुर्खी और दोनों गोद पतलून में मबलूस होकर कंधे से कंधे मिलाकर बेहयाई का मुजाहिदा निकाले जा रहे हैं। वाह 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 वाह। इसीलिए मुशायर शाह फरमाता है कि नई तहजीब का नक्शा आया है, नई तहजीब का नक्शा आया है, मियां बीबी है, बीबी भी आया है,
शबाब और है सुर्खी और पाउडर, शबाब और है सुर्खी और पाउडर कि 70 साल की बुढ़िया जवान कि 70 साल की बुढ़िया जवान है। मेरे अजीज दोस्तों, हमारी छह माँ बहनों जो खास और खा की पैकर थी, शर्म हया जिसका जेवर था, इफ्फत और असमत जिसकी पहचान थी, इबादतों को रियासत जिसकी फितरत थी, कुरान शरीफ पढ़ना जिसका मशगला था, आज वो हसी जानवरों की तरह शहरों और बाजारों में घूमती फिरती नजर आ रही है। और ये हमारे नौजवान कम बिगड़े हुए नहीं है, ये मसाजिद और मदारिस से कोसों दूर है। इनकी नजरों में इस्लामी कवानीन, इस्लामी सुनो कवानीन की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के दरबारी में टाई और पतलून में ममलूस है। अगर रास्ते में चलते चलते पेशाब की हाजत हो गई तो पतलून का बटन खोल कर और जानवरों की तरह खड़े खड़े मुत लेते हैं और पतलून का बटन चाह कर आगे बढ़ जाते हैं। पेशाब के कतरे टपक टपक कर इनके पतलून में जज्ब होते रहते हैं। ना इन्हें कपड़े खराब होने का एहसास है और ना पेशाब के छींटों से बचे। आइए मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाऊं जिनके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं कि जो पेशाब के छींटों से परहेज नहीं करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दो कब्रों पर गुजर हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन कब्रों पर अज़ाब हो रहा है, लेकिन किसी बड़ी गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि इनमें एक तो पेशाब की छींटों से एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुंगल खोर था मेरी माँ और बहने ज्यादा घूमता था, वो बहुत चुभोटा हो गया। ठीक है, एक पेशाब की छींटों से एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुंगल खोर था। फिर आका अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हरी साफ ली और उसको दो टुकड़े करके दोनों कब्र पर रख दिया। लोगों ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसा क्यों किया? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक ये सूखेंगे नहीं इसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती है। हज़रात, लिहाजा अभी वक्त है, अभी तौबा का दरवाजा खुला है, अपने हालात को बदल डालो, मगरबी तहजीब को छोड़कर इस्लामी तहजीब के दामन को अपना लो, अल्लाह और रसूल के इताअत और फरमा बरदारी को अपनाओ, अपनी सूरतों को इस्लामी सूरत बनाओ। खुदा की कसम, इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुदा तआला की दस्तगीरी, खुदा तआला की नुसरत, खुदा तआला की मदद तुम्हारे साथ होगी, रज़ाए इलाही तुम्हारे साथ होगी और रहमत इलाही तुम्हारे साथ होगी और तुम दोनों जहां में सरफराज और सरबुलंद होंगे। इसीलिए शायर इरशाद फरमाता है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौमे दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी, हमें करनी है शहंशाह फतह की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार।